एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बैग कलेक्शन, जो कि मेरा पर्सनल बैग कलेक्शन है। और ये जो कलेक्शन है, ये मैंने ओवर द इयर्स कलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कल गई और मैंने इतने सारे उठा कर के ले आई, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर द इयर्स एटलीस्ट 8 to 9 years से मैं इसको कलेक्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। और अब जा करके मेरा ये जो कलेक्शन है, ये कम से कम 7-8 bags का हो चुका है। तो क्या हुआ कि मैं एवरी विंटर्स अपना बैग चेंज कर लेती हूँ। तो जब मैंने इस बार अभी विंटर्स के लिए अपने कलेक्शन में से मैं अपना बैग ढूंढ रही थी कि अब विंटर्स के लिए मैं कौन सा चूज करूँ इनमें से कैरी करने के लिए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना आपसे ये कलेक्शन अपना शेयर करूँ। क्योंकि ये जो बैग्स हैं, ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और लुक वाइज तो बहुत अच्छे होते ही हैं। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी आपको इनमें से कोई बैग लेना हो तो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे, मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट पे भी है। आप आराम से जा करके इनको चेक कर सकते हैं। और कुछ इनमें से जो पीसेस हैं वो जरूर अब आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं ओवर द इयर्स इन्हें यूज कर रही हूँ। 8 साल पुराना भी मेरे पास एक बैग है और 7 साल पुराना भी है, 6 साल पुराना भी है। तो कुछ इनमें से जो बैग्स के जो कह सकते हैं जो मॉडल्स हैं वो चेंज भी हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं बैग्स दिखा रही हूँ वो सभी मिल जाएंगे। हाँ, एक आध दो मॉडल्स इनमें से जो क्लासिक है बिल्कुल, वो अभी भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन कुछ बिल्कुल खत्म भी हो गए, बंद भी हो गए, तो वो शायद नहीं भी मिले आपको। तो ये कलेक्शन मैं 2 हिस्सों में लेकर के आऊंगी आपके पास। अभी मैं 4 bags दिखा रही हूँ आपको, और फिर आने वाले कोई किसी वीडियो में आपको 4 और दिखा दूंगी। क्योंकि अगर मैं अभी आपको 8 bags दिखा दूंगी ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल शो 4 of my bags टू यू इन दिस वीडियो। तो ये है मेरा पहला बैग। दिस इज माई एक्चुअली फर्स्ट हाई डिजाइन बैग, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट हाई डिजाइन बैग ऑल्सो। तो दोनों चीजें थी, तो दैट इज वाई इट इज लिटिल स्पेशल टू मी। ये ऐसा है, इसका कलर होप आप लोग देख पा रहे हो, अच्छे से इसका कलर दिख पा रहा हो आपको। बहुत ही प्यारा ग्रीन है, बिल्कुल वैसा ग्रीन है जैसे पेड़ों का जो ग्रीन होता है ना, बिल्कुल डार्क पत्तियों का वैसा वाला ग्रीन है ये। पीछे से ऐसा है। इसका जो शेप है अभी नीचे से थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि ये मैंने अपनी अलमीरा में रखे हुए थे और इनके बैग्स हैं, इनके जो कपड़े के बैग्स हैं उनके अंदर रखे हुए थे, पर क्योंकि वो शेल्व्स में और भी बैग्स थे तो थोड़ा सा शेप इनका बिगड़ गया है, जो कि मैं ठीक कर दूंगी इसमें पेपर भर के वापस से। पर फिर भी काफी कुछ विजिबल है, ये उसका प्रॉपर शेप यही है। इस तरह का है ये, इसकी ये चेन देखिए आप, जिप देखिए, ये इस तरह की होती है, ये इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये इनका क्लासिक पीस भी है, हाई डिजाइन का सबसे क्लासिक पीस यही माना जाता है, यही वाला बैग। और आज अगर आप इसको लेंगे उनकी वेबसाइट से, शायद मिल जाए आपको। तो मैंने जब लास्ट देखा था 2-3 महीने पहले, तब अवेलेबल था उस पर, तो ये था ऑलमोस्ट 8,000 या 9,000 का, जबकि पहले ये इतना नहीं था। जब मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे तब ये 5,000 something का था, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, लोगों को बहुत पसंद आया ये, तो शायद इन लोगों ने उसको एक क्लासिक दे करके और पूरा प्राइस रेंज बढ़ा दिया। अंदर से ऐसा है, बहुत स्पेशियस है, अच्छा खासा स्पेशियस है, पॉकेट्स की कोई कमी नहीं है, चेन्स की कोई कमी नहीं है, दो दो हैं, मतलब इसमें आप यू कैन पुट एवरी पॉसिबल आइटम जो आपके गो टू आइटम्स हैं, ऑन द गो आइटम्स हैं, सब रख सकते हैं आप इसमें। आई थिंक लैपटॉप नहीं आ पाएगा इसमें, बाकी सब आ सकता है, आपका जो आईपैड है वो भी आ सकता है। मैकबुक मैंने अभी ट्राई नहीं की रखी, लेकिन आ सकती है शायद, कुछ बड़ा लैपटॉप नहीं आ सकता है। बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही प्यारा बैग है ये। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसकी पीछे की यूटिलिटी जिप भी है, और ये जिप बहुत ज्यादा काम की होती है। इस जिप, ये जिप जब कोई बैग में होती है ना, तभी मैं वो बैग लेती हूँ,
क्योंकि ये बहुत यूटिलिटी होती है इस जिप की, तो वो भी थी इसमें। तो आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दिस बैग, मुझे ये इतना अच्छा लगता है, इसको मैं एक बार लेके चली जाती हूँ तो आई डोंट हैव टू लुक बैक। तो ये है मेरा फेवरेट बैग इस कलेक्शन में से। ये है दूसरा, ये है एकदम ब्राइट रेड मरून, और मरून ही कहेंगे इसको, डार्क साइड पे, डार्क रेड साइड पे है ये। इस पे ये ऐसे गोल्डन बिल्कुल मैट फिनिश गोल्डन ये दी हुई है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी है ये, इस तरह से गोल्डन बकल्स जैसे हैं जो, ये इस तरह का स्ट्रैप है इसमें, ये भी है दोनों साइड है। इधर बटन्स हैं, चेन नहीं है, बटन्स हैं, चेन अंदर है, नीचे ऊपर आपको सिर्फ बटन्स मिलेंगे। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ये स्ट्रैप मिल रहा है, तो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं, स्ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसको दोनों तरह से कैरी किया हुआ है, मैंने स्ट्रैप भी लगाया हुआ है, इस हैंडल से भी कैरी किया हुआ है। अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ही स्पेशियस है, ये एक थोड़ा एग्जीक्यूटिव लुक देता है कि आप जैसे ऑफिस जाते हैं, अगर आप वर्किंग है ऑफिस जाते हैं तो ये बैग आप लोगों के लिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो यू कैन इजिली कैरी एवरी सिंगल आइटम, जो आपका यूटिलिटी आइटम्स है सब इसमें कैरी कर सकते हैं। अंदर इसके जो अगर आप देखें, इसके अंदर ये जो एक बेज कलर का पूरा कपड़ा लगाया हुआ है ये देखिए इधर, और थोड़ी कुशनिंग भी है इस कपड़े, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, अंदर थोड़ा कुशन है, ये बहुत अच्छा कुशन किया हुआ है। तो जैसे कोई आपकी ऐसी चीज है जो कि थोड़ी वैल्यूएबल है या फ्रेजाइल है, तो ये मेरे ख्याल से उसको अच्छे से सेफ रखेगा, क्योंकि अंदर जो कुशन है ये एकदम इम्पैक्ट नहीं आने देगा, कभी गिरता भी है बैग तो। ये चीज एक बहुत प्रेटी लगी मुझे, इसकी लुक भी अच्छा दे रही है और यूटिलिटी तो है ही, स्पेस की कोई कमी नहीं है, चेन्स है, पॉकेट्स है, छोटी चेन है, सब कुछ है, तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है स्पेस की तो। एंड लुक वाइज इट इज स्मार्ट एलिगेंट एंड आई थिंक अ रिच लुक देता है। तीसरा, ये थोड़ा सा छोटा है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था हाई डिजाइन पे, उस वक्त कोई सेल लगी हुई थी, तो ये मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, हैंडी लगा बहुत ज्यादा, ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ऑन द गो लेकर के जा सकते हैं आप, कभी भी आपको इधर आसपास कहीं जाना है तो हर बार आप बड़ा बैग नहीं कैरी करना चाहते हैं, तब आप ये छोटा उठाया और लेकर के चले गए, तो ये उस तरह का है। ये टैन कलर है, ये देखिए पूरा टैन कलर में है ये, पीछे भी आगे भी। अब अंदर इसके ब्लैक है, और ये दो तीन कलर्स में था इस तरह के, पर मुझे, मैंने टैन चूज किया था, एक ब्राउन भी था इसमें, एक डार्क ब्राउन भी था, पर ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये लिया था। इसका स्ट्रैप थोड़ा सा लंबा है, इजिली शोल्डर्स पे आ जाता है, कोई कहीं से चुभता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैप है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये आपके शोल्डर्स पे। अंदर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम स्पेस होगी क्योंकि छोटा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी स्पेस है अंदर इसके, बहुत अच्छे से आपके छोटे मोटे सामान आ जाएंगे, आपका फोन आ जाएगा, वॉलेट आ जाएगा, कोई भी मेकअप आइटम्स रखना चाहे वो आ जाएंगे, बहुत आराम से इसमें सारी चीजें फिट हो जाती हैं। ऑब्वियसली लैपटॉप तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन क्योंकि इट्स अ स्मॉल बैग, ऑब्वियसली इसमें नहीं आ सकता, लेकिन जो भी छोटा छोटा आइटम है वो सब आएगा, आराम से आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल हैंडी है, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। और ये देखिए इसका जो स्टाइल है, यस है, पीछे ये यूटिलिटी जिप अगेन इसमें है, जो कि बहुत काम की होती है। द लास्ट बैग ये वाला, ये इस तरह का है, ये देखिए, ये अगर आप आपको थोड़ा सा कुछ ध्यान आ रहा हो तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, अगर ध्यान करने की कोशिश कीजिए, पहले हमारी मदर्स जो थी वो इस तरह के बैग्स ही कैरी करती थी, मेरी मम्मा इस तरह के बैग कैरी करती थी जब मैं छोटी थी, उनकी बैग्स में उसमें टॉफी निकाल लेती थी मम्मा की, तो ये इस तरह का बैग था उनके पास पहले, एक इस तरह की डिजाइन बहुत चलती थी। ये जो बैग है ये मैंने स्पेशली इसीलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कर रही थी इसको देख करके, हाई डिजाइन ने जो बैग निकाला है बहुत ही थोड़ा सा ओल्ड स्कूल पैटर्न पे है,
हम कह सकते हैं इसमें भी गोल्डन टच दिया हुआ है या बकल गोल्डन दिया हुआ है। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे डबल है, बकल तो है ही, डबल लॉक है, चेन भी है, ये चेन है। तो वंस यू ओपन द बकल तो आपको अंदर ऊपर चेन मिलेगी। चेन खोलेंगे, अंदर अगेन अच्छी खासी स्पेस है, बहुत स्पेस है। ये थोड़ा लंबा इसका डिजाइन है लेकिन स्पेस इसमें भी बहुत अच्छी है। इसमें आप छोटे मोटे आइटम खूब सारा रख सकते हैं, बंद भी बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप ज्यादा भी कुछ स्टफ करते हैं तो बहुत अच्छे से बंद होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑब्वियसली लेदर है तो कोई ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। इसमें अंदर जो कलर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो बॉडी का है, यहाँ पे बाहर है ऑलमोस्ट सेम ही कलर है उसका। अंदर गंदा ज्यादा होता नहीं है क्योंकि कलर इसका ऐसा है कि आप गंदा लगेगा नहीं। हाँ ऑब्वियसली लेदर है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिन में इसको साफ तो करना ही पड़ेगा कि लेदर धूल से कट जाता है, तो आपको हर थोड़े दिन में एक कपड़ा तो मारना पड़ेगा। और पॉलिश भी आती है तो हो सके तो आप एक पॉलिश का शाइन भी अपने बैग्स पे दे सकते हैं, और नहीं तो आपको गूगल पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेदर बैग्स की केयर करने की। तो ये है, ये पीछे इसके पॉकेट है, ये देखिए पीछे चेन नहीं है इसमें, इसमें पॉकेट है ये वाली। अब ये जो पॉकेट है ये चेन से थोड़ा कम यूज आती है क्योंकि चेन जब रहती है तो वो आपका जो सामान है पूरा सेफ रहता है, पर ये जो पॉकेट है इसमें आप कॉइन्स वगैरह नहीं डाल सकते क्योंकि वो गिर जाएंगे। इधर से एक बटन है तो, बट स्टिल इसमें आप कुछ ऐसी चीजें तो रख ही सकते हैं, पेपर्स वगैरह रख सकते हैं, तो थोड़ा यूटिलिटी तो इसका भी है। अदरवाइज द होल लुक इज सो ब्यूटिफुल। इसको आप साड़ी पे कैरी कर सकते हैं, सूट पे कैरी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे तो ये बहुत ही ऑसम लगता है। सो दिस इज द फोर्थ वन। तो आज मैंने आपको चार बैग्स दिखाए मेरे, एक ये रेड वाला, एक टैन कलर वाला और एक ये वाला। ये चार बैग्स मैंने आपको आज दिखाए हैं जो मेरे कलेक्शन में मेरे कह सकते हैं टॉप फेवरेट्स हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट चार बैग दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगी ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट चार बैग देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू छवि मिश्रा व्लॉग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू शेयर एंड लाइक माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।